जिसमिल रिम वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग आज के इस लेक्चर नंबर ट्वेल्व में हम डायरेक्शन डेरावेटिव पे बात करते हैं रिलेवेंट विद बी एस कैलकुलस तो पहले तो हम डायरेक्शनल डेरावेटिव की बात करते हैं कि डायरेक्शनल डेरावेटिव हमारे पास क्या होता है द ऑफ अ फंक्शन फंक्शन हमारे पास टू डायमेंशनल भी हो सकता है थ्री डायमेंशनल प्लेन में भी हो सकता है सो द ऑफ अ फंक्शन एफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर यू दिस टाइप ऑफ डेरा डायरेक्शनल डिव इससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी आर अ डायमेंशन लेस नंबर जिसका हमारे पास डायमेंशन नहीं होगा एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगा और लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सो so, हमारे पास डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरावेटिव वो होता है जब हमारे पास एक पंक्शन गिवन होता है और वो पंक्शन हमारे पास पी नाट पर गिवन होता है एक्स नॉट वाई नाट या जी नाट पे और उसी फंक्शन के डेरावेटिव को हम मालूम करें इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर तो फिर वो डेरावेटिव हमारे पास कौन सा डरावेट होगा डायरेक्शनल डेरावेटिव होगा तो चलिए बढ़ते हैं बी एस कैलकुलस की जानवे लेक्चर नंबर ट्वेल्थ 12, एडिशन थॉमस डायरेक्शनल डेरावेटिव की बात करते हैं पहला प्रॉब्लम है कि फैन द डायरेक्शनल डेरावेटिव ऑफ अ फंक्शन एट फी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर यू सच देट द फंक्शन इज एक्स माइनस वाई डिडेड विद एक्स वाई प्लस टू द पॉइंट पी नॉट इज माइनस वन एंड वन एन दूनट फैक्टर आई प्लस फाइव हो जाए यूनिट फैक्टर है ट्वेल्व आई प्लस फाइव हो जाए तो सोल्यूशन की जानब हम बढ़ते हैं पहले हम गिवन फंक्शन का डायरेक्शनल डरावेट की लिए पहले ग्रेडियंट निकालना जरूरी होता है तो इसी एप का अगर ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो ग्रेडियंट इस तरह होता है डेल्टा डेल से सो डेल एप में लिखता हूँ अब इसी का मैं डराइवेटव लूंगा एक्स के साथ और वाई के साथ क्योंकि ये हमारे पास टू डायमिशनल प्लेन है यहाँ से पता चलता है पॉइंट एक्स और वाई पे रेड नहीं है तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा देट विल बी पार्शियल और पार्शियल एक्स आई एंड प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे सही है और यहाँ पे फंक्शन एफ होगा मतलब गिवन फंक्शन का हम डेरिवेटिव एक्स के साथ लेंगे फिर गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव वाई के साथ लेंगे उसे जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ग्रेडियंट आ जाएगा ये फार्मूला है फंक्शन का डेरावेटिव हम एक्स के साथ लेते हैं सो एफ एक्स भी लिख सकते हैं और पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स भी ले सकते हैं इसका डेरावेटिव पार्शल लेते हैं एक्स के साथ तो पार्शल एफ और पार्शल एक्स भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते है अभी फंक्शन है।, है तो मैं लिख सकता हूँ पार्शल और पार्शियल एक्स फंक्शन क्या है फंक्शन है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस टू सो डरावेटिव लेते हैं तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स हमारे पास क्या आएगा यहाँ फॉर टू क्वांटिटी है वन फंक्शन डिवाइड ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि सेकंड फंक्शन एक्स वाई प्लस टू डेरा ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ क्या होगा एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ वन और वाई का जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेटिव एक्स के साथ लेते हैं न कि वाई के साथ इसका डेरिवेटिव जीरो तो यहाँ पर वन तो सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव द फर्स्ट ये आ गया देन माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस वाई

सो दिस विल भी एक्स की जगह माइनस वन फुट करेंगे और वाई की जगह वन सो so यहाँ से एक्स की जगह माइनस वन फुट किया जाए और वाई की जगह वन फुट किया जाए तो इस तरह हो जाएगा प्लस टू देन माइनस एक्स क्या है माइनस वन देन माइनस वाई क्या है वन है मल्टीप्लाई बाई वाई क्या है वन है डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस टू तो एक्स माइनस वन है और वाई वन है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन से माइनस वन आएगा देन प्लस टू होल स्क्र So, मजीद सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा यहां से माइनस वन आएगा माइनस वन प्लस टू से हमारे पास क्या आएगा है? है so, वन आएगा टू माइनस वन से वन वन स्क्र से वन आएगा सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से टू प्लस वन से क्या आएगा थ्री आएगा इसका मतलब ये हुआ कि पार्शल एफ और पार्शल एक्स हमारे पास पॉइंट पी पे क्या आ गया थ्री आ गया

डेरावेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन फार्श चली विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स का डरावेटिव वाई के साथ जीरो है देन माइनस वाई का डरावेटिव वाई के साथ क्या 1 आएगा वन आएगा देन माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस वाई डेरावेट ऑफ दस्ट फंक्शन फार चली विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा वाई तो वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा जस्ट एक्स एक्स रह जाएगा और टू का इसके साथ डरावेटिव जीरो तो बस यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे डिवाइड बाई इसी फंक्शन का होल स्क्वायर अब डेरा हम निकालते हैं पॉइंट फे फी नाट फे सो फार्शल एफ और वाई एट पॉइंट फीनाठ माइनस वन और वन क्या हो जाएगा एक्स की जगह माइनस वन वाई की जगह वन सो so यहाँ से माइनस वन आएगा सो so माइनस वन प्लस टू से वन आएगा और यहाँ से माइनस वन देन माइनस अपनी जगह पे एक्स माइनस वाई एक्स क्या, one, y क्या है माइनस वन वाई क्या है वन है सो माइनस वन और एक्स क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ से माइनस वन आएगा ना बहुत ई माइनस वन है वन है तो माइनस वन आएगा माइनस वन प्लस टू का होल स्क्वायर सो इससे क्या आएगा फार्शल एफ और फारश वाई एट पॉइंट माइनस इंटू माइनस से क्या आएगा प्लस वन आएगा प्लस वन देन ई प्लस वन अगर यहां से माइनस टू आएगा माइनस टू माइनस टू आएगा ना यहां से माइनस टू यहाँ से बाहर हमारे पास प्लस वन आएगा तो इससे होल रिजल्ट माइनस टू आएगा क्या माइनस टू यहां से क्या आएगा माइनस वन सो माइनस वन और माइनस टू से क्या आएगा माइनस थ्री और यहाँ से टू माइनस वन से वन सो वन स्केर से हमारे पास वन आएगा जो हमारे पास सिंपल रेड माइनस थ्री आ जाएगा ये आ गया अब ग्रेडियंट में पोटिंग करते हैं तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा ग्रेडियंट विल बी पार्शल एफ और पार्शल एक्स क्या है हमारे पास थ्री है सो थ्री आई देन प्लस पार्शल एफ और पार्शल वाई हमारे पास क्या है ये है सो so यहाँ पर माइनस थ्री लिखेंगे सो so माइनस थ्री जे हो जाएगा ये आ गया अब हमने बात की थी में हम डायरेक्शनल डरावेटो में इंटरेस्टेड है तो मैंने बताया था कि द डरावेटो ऑफ द फंक्शन एफ ओ जो कि ये है एट पी नाट इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर तो हमारे पास तो डरावेटव डिरा, आ गई फंक्शन की पी नाट पे लेकिन हमने मजीद ही बात की थी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द यू सो इन द डायरेक्शन ऑफ यू का मतलब यह है कि इसी का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे फिर इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शनल डरावेटिव आ जाएगी तो इसी का यूनिट वेक्टर क्या होगा लेट सपोज मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ सो वी विल बी गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हूँ सही है ये हमारे पास क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा सो गिवन वेक्टर ट्वेल्व आई है एंड प्लस फाइव जे है डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड क्या होगा स्क्वेयर रूट लेंगे ट्वेल्व स्क्यर लेंगे इस वैसे वन फोटी फोर आएगा देन प्लस फाइव स्क्यर लेंगे क्या लेंगे फाइव स्क्र सो फाइव स्क्वेयर से हमारे पास ट्वेंटी फाइव आ जाएगा

वेक्टर सही फुटिंग करते हैं तो इज इक्वल टू ग्रेडियंट क्या है हमारे पास ग्रेडियंट हमारे पास थ्री आई माइनस थ्री जे है थ्री आई माइनस थ्री ऑफ जे इसका डॉट प्रोडक्ट लेते गिवन यूनिट वेक्टर के साथ जो कि हमारे पास क्या है ट्वेल्व आई प्लस फाइव जे डिवाइडेड विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इसी का मैग्नीट्यूड हमारे पास थर्टीन आ चुका है ये हो जाएगा अब डॉट प्रोडक्ट में हम सेम कंपोनेंट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं आई का कंपोनेंट यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर आई का कंपोनेंट ट्वेल्व बाई थर्टीन है तो इस तरह हो जाएगा देन यहाँ पर माइनस थ्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे के कंपोनेंट के साथ जो कि फाइव बाई थर्टीन है अब सिंप्लीफिकेशन करते थ्री इंटू ट्वेल्व से क्या आएगा थर्टी सिक्स बाई थर्टीन आएगा क्या आएगा थर्टी सिक्स ओवर थर्टीन 12 into 3 से हमारे पास 36 और ये माइनस ऑफ 5 into 3 से क्या आता है 15 ओवर 13 अब 36 से 15 को हटाते हैं तो क्या आएगा यहां से हमारे पास 6 9 10 11 12 यहां से 36 में से 15 को खत्म करना है तो यहां पर 15 के साथ अगर 15 ऐड किया जाए 30 देन हमारे पास 6 होता है सो so, यहां पर 15 16 17 18 19 किस आता है अगर हम क्या करें थर्टी सिक्स माइनस फिफ्टीन से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा तो सिक्स अगर फाइव ख़त्म किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा सिक्स से फाइव तो खत्म हो सकता है ना तो हमारे पास वन आएगा और थ्री से वन ख़त्म करो सो टू वन तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है? 21 आता है ट्वेंटी वन आता है ट्वेंटी वन ओवर थर्टीन तो ये हमारे पास क्या गया दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरावेटिव इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी ट्राई करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं फाइन द डायरेक्शनल डेरावेटिव ऑफ द फंक्शन एट फी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u। फंक्शन हमारे पास थ्री डायमेंशनल प्लेन में है एक्स वाई जी में एच ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई प्लस ई रेस टू द पावर z जेड प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ जेड हो पॉइंट हमारे पास है 1 0 एंड हाफ हो तो ये x A, y z जेड और यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है i प्लस टू जे प्लस टू के तो सोल्यूशन की जानब हम क्या करते हैं बढ़ते हैं अगेन ग्रेडियंट पहले निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एच ओ सही ग्रेडियन ऑफ द फंक्शन एच ओ क्या किस क्या फार्मूला होगा फार्शल एच ओ वार्शल एक्स आईन फार्शल एच ओ और फार्शल वाई अभी चूंकि थ्री डायमेंशनल प्लेन है तो जेड के साथ भी डेरिवेटिव लेंगे तो फार्शल एच और फारशल जेड जे के सही पार्शियल एच और पार्शियल एक्स आई एक्स के साथ फिर सेम फंक्शन का वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर फिर सेम फंक्शन का जेड के साथ यूनिट वेक्टर के आएगा गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं फिर फेले किस चीज़ के साथ इसको मैं बक्स में क्लोज करता हूँ पार्शियल एच का पार्शियल एक्स के साथ डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा एक्स के साथ काई का डेरिवेटिव हो होता है माइनस साइन सो माइनस साइन एक्स वाई आएगा देन इनर फंक्शन एक्स वाई का डेरिवेटिव किस चीज़ के साथ एक्स के साथ तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल जस्ट वाई रह जाएगा बाहर देन इसी फंक्शन का डराइवेटिव सेम आता है ए फार, ए फार वाई आता है अब इनर फंक्शन वाई जेड है इसका डराइवेटिव एक्स के साथ क्या आएगा के साथ इसका डरावेटिव जीरो आएगा देन प्लस नेचुरल लागरेट डिरा, वन ओवर एक्स होता है तो वन ओवर जेड एक्स हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स के साथ तो एकस, एकस के साथ कैंसिल जस्ट जेड रह जाएगा ये आ गया अब पुटिंग करते ही फीनाट पोट करते पार्शल एक्स और पार्शल एक्स फी पीनाट पर क्या हो जाएगा तो फी तो फीनाट हमारे पास ये है ये एक्स है ये वाई और ये जेडो तो वाई क्या है वाई जीरो है तो वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा टर्न अप जीरो, तो जीरो हो जाएगा सही है जीरो या फिर जीरो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रिजल्ट जीरो आ जाएगा या फिर जेड एक्स रिजल्ट के साथ कैंसल के वन वॉर एक्स आ जाएगा तो एक्स क्या है वन है तो वन ओवर वन से हमारे पास वन आ जाएगा तो ये हमारे पास पार्शल एच और पार्शल एक्स पीनाट पर आ गया सेम फंक्शन का डराइवेटो वाई के साथ भी निकालते है फाशल एच और पार्शियल वाई विल भी कल इसका डराइवेटिव माइनस साइन होता है सो माइनस साइन एक्स वाई अगर वाई के साथ डराइवेटिव एक्स वाई का वाई के साथ यानी फंक्शन है ना तो वाई तो वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा जस्ट एक्स रह जाएगा देन प्लस ई का डरावेटिव सेम होता है सेम एक्सपोनशियल फंक्शन ऑफ वाई जेड हो वाई जेड का डराइवेटो वाई के साथ तो वाई वाई के साथ कैंसल जस्ट जेड रह जाएगा देन इसी फंक्शन का अगेन सेम डरावेट वन वेड एक्स हो और एक्स जेड का डरावेट वाई के साथ क्या आएगा जीरो क्योंकि यहां पर तो वाई है ही नहीं तो डरावेट जीरोन पॉइंट फी नाट पर निकालती है सो तो फार्शेल एच और वाई एट फी नाट क्या हो जाएगा तो एक्स क्या है वन है तो वन फोट करते हैं लेकिन वही हमारे पास जीरो है क्या है जीरो तो यहां पर जीरो है तो जीरो अगर एक्स वन है तो जीरो इंटू वन से जीरो आएगा साइन जीरो जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा देन यहाँ पर पुटिंग करते हैं। जेड क्या है वन हाफ़ है तो वन ओवर टू फुट करते हैं देन मल्टीप्लाई बाई ई पावर वाई इंटो जेड तो वाई जीरो है जेड वन ओवर टू है तो यहाँ से हमारे पास पावर में ज़ीरो आ जाएगा और ई तो सारा जीरो है ई भी जीरो ई भी जीरो जेड की जगह मैंने हाफ़ फुट किया वाई इंटू जीरो हमारे पास जीरो इंटू हाफ से जीरो हो जाएगा ई फावर जीरो वन के बराबर है तो इससे वन वो टू आ जाएगा

देन प्लस नेचुरल लाग रहा हो, है हो और जेड एक्स का डरा जेड के साथ क्या होगा अब पॉइंट विल बी तो फी नाट क्या है एक्स और वाई जेड है सही है तो वाई हमारे पास जीरो है तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा देन यहाँ फार एक्स एक्स के साथ रह जाएगा तो इससे हमारे पास टू आ जाएगा तो ये हमारे पास पार्शल एच और पार्शल जेड भी आ गया अब हम हाँ ग्रेडियंट में पुटिंग करते हैं सो तो फार्शल डेल एच क्या हो जाएगा डेल एच विल बी या नेबला भी हम इसको कह सकते हैं तो नेबला एच विल भी और हमारे पास क्या है वन है तो जस्ट आई रह जाएगा और वाई हमारे पास हाँ है। तो ये हो जाएगा वन वो इंटू जे देन पार्सल एच और पार्सल जेड हमारे पास टू है सो ये टू के रह जाएगा ये आ गया सही अब हम क्या निकालेंगे हमारे पास तो ग्रेडियंट आ गया नेबला एच ओ अब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं यूनिट वेक्टर को लेट सपोज में वी का नाम देता हूँ सो वी क्या हो जाएगा गिवन वेक्टर आई प्लस टू जे देन प्लस टू के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड सो मैग्नीट्यूड में क्या होता है हमारे पास जो कंपोनेंट होता है उसका हम क्या करते हैं स्क्वेयर लेते हैं तो यहां पर वन है तो वन स्क्वायर देन प्लस टू है सो टू देन प्लस ठीक है कंपोनेंट टू है सो टू स्क्वायर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो so वी क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास ऊपर हम नहीं चढ़ते आई प्लस टू जे प्लस टू क्या आएगा नीचे हमारे पास टू से फोर टू स्क्वायर से फोर वन स्क्वायर से वन सो फोर प्लस फोर प्लस वन से अंडर है तो हमारे पास क्या आ गया? यूनिट वेक्टर भी आ गया अब हम लास्ट चीज निकालते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्शनल डेरा है सो डायरेक्शनल द फंक्शन h एट पी नाट क्या हो जाएगा गिवन ग्रेडियंट नेबला एच इन टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर वी तो फटिंग करते इज इक्वल टू नेबला एच क्या है आई प्लस वन वो टू जे न प्लस टू आपके इसका डार्ट प्रोडक्ट लेते हैं आई प्लस टू जे प्लस टू के बाई थ्री से आई प्लस टू जे प्लस टू के होल डिवाइडेड बाई थ्री सही अब सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते फॉर आई का कंपोनेंट वन या फॉर आई का कंपोनेंट वन व्री देन प्लस यहाँ का कंपोनेंट वन ओवर टू है यहाँ का कंपोनेंट टू अवर थ्री है देन प्लस के का कंपोनेंट टू है और यहाँ फर के का कंपोनेंट टू अवर थ्री है सही आपकेशन करते यहाँ से वन ओवर थ्री आ जाएगा देन प्लस यहाँ पर टू टू के साथ कैंसिल वन ओवर थ्री आ जाएगा देन प्लस टू इंटू टू से क्या आएगा फोर ओवर थ्री एल सी एम देते हैं सो एल सी एम थ्री हो जाएगा ऊपर वन प्लस वन एंड प्लस फोर आएगा इसको सिंप्लीफ्लाई करो तो यहाँ से सिक्स बाई थ्री से हमारे पास रिजल्ट तो इसका मतलब का जो दिस विल बी टू। अब आज की वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन को समझते ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई है और ये जेड है सॉल्यूशन की जाने हम क्या करते हैं बढ़ते हैं गिवन फंक्शन का हम पहले ग्रेड निकालते हैं सो फारशल जी नेबला जी हो जाएगा नेबला जी या डेल जी दिस विल बी जी गिवन फंक्शन जी है इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ देन आई देन सेम फंक्शन जी का डेरिवेटिव वाई के साथ देन यूनिट वेक्टर जे देन सेम वेक्टर जी का डराइवेटिव जेड के साथ और देन यूनिट वेक्टर के अब हम पार्शियल जी और पार्शियल एक्स पहले निकालते हैं क्या निकालते हैं पार्शियल जी और पार्शियल एक्स सो पार्शियल जी बाई फारशल एक्स क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ याद रखिए थ्री कांशन इसको हम बाहर निकालेंगे या फिर टू फंक्शन है एक ये है ई के है तो मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होगा सो फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन काज आप वाई जेड का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई जेड अब वाई जेड इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ क्या आएगा सिफर आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स दिस फंक्शन साइन वाई जेड और इन फंक्शन का डरावेटिव जीरो देन हमारे पास सेकंड फंक्शन ये प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट फंक्शन विल बी पावर सेकंडवेट ऑफ और एक्स का x के साथ वन अब हम इसी का डराइवेटिव निकालते और Point, और में एक्स वाई जेड सारे क्या है से नहीं। तो थ्री बाहर हम लिखेंगे इन टू एक्स अगर जीरो पुट करेंगे तो ई फोर जीरो से वन यहां पर ये यह तो सारा टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि पर जीरो है अब यहां पर एक्स को मैंने अगर जीरो पुट किया तो ई फोर जीरो वन के बराबर आएगा देन मल्टीप्लाई बाय वाई भी जीरो है Z भी है तो यहाँ से जीरो सो खास जीरो वन के बराबर है सही है तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास जस्ट थ्री आ जाएगा तो फारशल जी और फार्शल एक्स एट द पॉइंट बी नाट हमारे पास थ्री के बराबर आ गया सेम फंक्शन का डेरावेट वाई के साथ ले लेते हैं सो थ्री को बाहर निकालते हैं अगेन प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं सो फर्स्ट फंक्शन ई फावर एक्स द सेकंड फंक्शन काज वाई जेड इज माइनस साइन वाई जेड द इनर फंक्शन वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी वाई वाई के साथ कैंसिल जस्ट जेड रह जाएगा देन प्लस सेकंड फंक्शन काज ऑफ वाई जेड एंड ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विल बी पावर बट तो इनर फंक्शन है इसका डराइवेटिव हमारे पास क्या आएगा सेकंड फंक्शन काज वाई जेड हो गया पहले ई पावर देन इसका डरावेटिव मैंने साइन वाई जेड और वाई जेड का डरावेटव पार्शियली वाई के साथ जडा गया देन प्लस सेकंड फंक्शन और ई पावर एक्स का डरावेट एक्स के साथ एक्स के साथ क्या आएगा ये इनर फंक्शन है ना एक्स तो इसका डराइवेटिव वाई के साथ से फर आएगा सही है अगेन सेकंड फंक्शन वाइज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन पावर एक्स पॉवर एक्स अब इन फंक्शन है तो इसका भी हम लेंगे किसके साथ वाई के साथ तो y के साथ इसका जीरो आता है तो ये आ गया अब ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा इसी जीरो की वजह से और यहां पे ये भी जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर जेड है ना तो जेड मल्टीप्लीकेशन में अगर ये जीरो पुट करेंगे तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई के रिजल्ट जीरो आएगा सो पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट फी हमारे पास क्या आएगा सेफर आएगा अब सेकंड थर्ड चीज की जानब बढ़ते फारशल जी ओवर फारशल जेड की जानब सो फारशल अब जी ओ वारशल जेड क्या आएगा सो थ्री को बाहर निकाल लें और प्रोडक्ट रूल यूज करते ई पावर एक अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव कास वाई का जेड का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई जेड गया अब इसके बाद इनर फंक्शन वाई जेड है ना तो वाई जेड का डायरा जेड जेड के साथ कैंसल के के वाई आ जाएगा बाहर सेकंड फंक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट एक्स पावर एक्स आता है अब एक्स इनर तोरो तो की वजह से अब ई भी जीरो होगा गया एक बात याद रख है तो y बी जीरो है गिवन पॉइंट में तो ये भी सारा टर्म हमारे पास हो सिपर हो जाएगा तो ये भी सिपर हो गया तो सिपर इंटू थ्री से सिपर आएगा सो पार्शियल जी और पार्शियल जेड एट द पॉइंट फीन आठ हमारे पास क्या आएगा सिपर आएगा सिपर आ गया सही अब ये हमारे पास क्या आएगा नेबला जी क्या आएगा ग्रेडियंट आप द फंक्शन जी क्या आएगा पार्शियल जी और पार्शल एक्स हमारे पास क्या 3 है थ्री है सो थ्री ऑफ आई प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई तो हमारे पास ज़ीरो है और पार्शियल जी और पार्शियल जेड भी जीरो है तो बस इसको हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं या तरह लिख सकते जीरो जे प्लस ज़ीरो के सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी अगेन इसको हम अगेन पढ़ते हैं अब हमारे पास तो ही आ गया ही क्या है आ, आ, नेबला जी है हमारे पास ग्रेडियंट है स्लो पे असल में अब हम यूनिट वेक्टर भी निकालते यू का सो so मैं भी इसे रिप्रेजेंट करता हूँ सो so क्या हो जाएगा गिवन वेक्टर टू आई देन प्लस आप टू प्लस जे माइनस टू आपके एंड डिवाइडेड विथ इट्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर देन प्लस यहाँ पर वन है तो वन स्क्वायर से वन देन प्लस माइनस टू का स्क्वायर से माइनस टू स्क्र से फोर आता है सो इससे रिजल्ट क्या आएगा टू आई प्लस जे यहाँ इस तरह लिख सकते हैं टू आई प्लस जे माइनस टू आपके एंड यहाँ से फोर प्लस फोर प्लस वन से नाइन अंडर रूट नाइन थ्री के बराबर है सो so, सारों को हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया डरावेटिव क्या होता है डायरेक्शनल डायरेक्शनल ऑफ द यू एंड गिवन फंक्शन जी एंड एट द पॉइंट वी नॉट विल बी द गिवन पोजिशन ग्रेडियंट विच इज थ्री आई प्लस जीरो जे एंड प्लस जीरो के इसका डॉट प्रोडक्ट किस किसके साथ यूनिट वेक्टर के साथ जो कि टू आई बाई थ्री है प्लस जे आप बाई थ्री है माइनस टू आपके के थ्री है आप सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर जीरो कस, कंपोनेंट जे का और यहां पर तो जीरो पर के मल्टीप्लाई करो तो जीरो अब एक ही कंपोनेंट रहता है आई का कंपोनेंट यहां पर थ्री है और आई का कंपोनेंट यहाँ पर टू बाई थ्री है सो मल्टीप्लाई करते हैं अब ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा दोनों ये ई सी जीरो जीरो की वजह से जे और के का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा अब थ्री थ्री के साथ कैंसिल हमारे पास जो डायरेक्शनल डराइवेट आएगा दैट विल बी टू सो डायरेक्शनल डराइवेटिव ऑफ़ द फंक्शन जी एट फी नाट हमारे पास क्या आ गया टू आ गया तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ डायरेक्शनल डायरावेटिव एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए इस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया फिर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल सीखेंगे एंड पॉइंट फीन आर्ट सो so इसी के साथ ही लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो